टुडे वी विल स्टार्ट सैंपल पेपर सेवन फ्रॉम अरिहंत पता नहीं क्या डाल दिया अरिहंत की स्पेलिंग की गल डाल दी सैंपल पेपर्स फॉर क्लास टेंथ फॉर आईसीएससी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड सम से थर्ड सॉ गिवन ए बी सी आर दर्सेज ऑफ ट्रगल ए कोर्डिनेट ऑफ बी डैश सी डैश रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ बी सी एट वाई एक्सेस तो बी डैश मैं यही पे कर देता हूँ और सी डैश yes, क्या आएंगे सर माइनस फोर कॉमन जीरो

हो गया मतलब ऐसे हम हमने करके आने एग्जाम में जो हमारा टाइम नहीं खा रहे पर इससे साथ वाला सेकंड पार्ट डिफरेंस आ गया ये। तो ये हमें सिमर करवाएगी सिमर दीदी करवाओगे ना टॉपर यस सर हाँ जी दीदी दी जी करवाइए वाटर इन कैनाल थर्टी डेसीमीटर वाइड थोड़ी uh, it, it, it Sir? Huh? Sir, सी यार मुझे तो पता नहीं किया मन मनमोहित भैया कम पढ़ा करो अरे चश्मा लग जाएगा आपको वही तो इतना पढ़ लिया उसकी वजह से नेट ही खत्म कोई बात नहीं कोई बात है, हम सम... नहीं हम सब नहीं सम मतलब हम कैसे समझ पाएंगे है ना है ना सूती बन जाने हाँ इप्शिता यार आंखों को भी, भी प्रॉब्लम आ रही है भैया कम पढ़ा करो हमें थोड़े से नंबर लेने को वही तो सारे आप ले जाएंगे हमारा क्या होगा अब ठीक है यस थोड़ा सा ठीक है हाँ ठीक वो पहले अभी तक ठीक है पहले भी ठीक ही था, था भैया इतना पढ़ वही तो सर इतना पढ़ लिया भैया मेरा मेरा वाईफाई खराब है मतलब मेरे घर में सर अब ठीक है अब भैया के टावर भी नहीं नहीं एक्चुअल में मेरे पास भी सामने लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए मैंने किया है नहीं तो मैं इसको बोल देता सर हमें साफ चलो बस सिमर वाटर इन ए कैनाल सर वीडियो ब्लर आ रही है वीडियो ब्लर आ रही है सर ठीक है अभी शायद ठीक नजर आ रही है हमारी ओके खराब हो गई ये मैंने कैनाल बना दी यहां से पानी बाहर निकल है वे कितनी गिवन है थर्टी मिडासी डेसीमीटर वाइड थर्टी डीएम

पहले भी आए हैं ना जब जहां पे वाटर की स्पीड दी होती है तो हम उसको लेंथ ले लेते हैं वो तो यहाँ पे भी लेंथ ले लिया अब कहते हैं जी जो पानी है एक खेत में जा रहा है खेत टेढ़ा मेढा जैसा भी हो सकता है वहां पे एट सेंटीमीटर तक वाटर लेवल चाहिए ये एट सेंटीमीटर तो कितना एरिया इरीगेट होगा यहां से बच्चे सबसे पहले तो ये फाइंड करो ये जो हाइट दी है वो एट सेंटीमीटर दी है और बाकी सारा कुछ डेसीमीटर में है ये किलोमीटर में इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो किलोमीटर को कन्वर्ट में करो सेंटीमीटर में टेन के साथ कितनी जीरोस लगाऊं कि मीटर में हो जाए थ्री जीरोस मीटर हो गया टू जीरोस और तो ये इतने सेंटीमीटर की लेंथ तक जो पानी है वो वन आर में बाहर निकलता है वन डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हाँ सर इतने जीरोस क्यों लगाए आपने किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया बेटा टेन तो ऑलरेडी था पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो कितनी जीरोस लगेंगी थ्री जीरो लगी फिर मीटर को सेंटीमीटर okay, में दो, दो जीरोस Okay. यहाँ पे 120 सेंटीमीटर आ गई हाइट इसकी लेंथ आ गई ब्रेथ आ गई हाइट आ गई तीनों चीजें आ गई हमारे पास यस yes, sir. अब उन्होंने 30 मिनट में बोला है वन आवर का मतलब 60 मिनट ना 60 मिनट yes, में इतना पानी बाहर निकलता है तो हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट इन वन आवर सिक्सटी मिनट मिनट इसके इक्वल सरथ लेंथ इन टू ब्रेथ लेंथ दिस वन थ्री थ्री सिक्स जीरो हाइट वन वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट इन वन मिनट

अपॉन सिक्सटी जीरो से जीरो कट गया सिक्स टूर ट्वेल्व ट्वेंटी थ्री टूर सिक्स जीरो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया अब क्या करें हमने तो इसका एरिया फाइंड करना था प्लॉट का जहां पे ये पानी गिर रहा है ये तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया आधे घंटे में इसके yes, अंदर sir. इतना पानी गया अब नाउ आई कैन डू जी आद्या बताओ क्या करें Yes सर क्या करें हम व्हाट वी कैंडूपिता आप से आपको आपको बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रही है मेरी आवाज क्यों डिस्कनेक्ट हो रही है बिल्कुल सही है सर एरिया ऑफ क्यूबॉइड से कर सकते हैं बच्चे नाइन्थ में वॉल्यूम का फॉर्मूला करवाया था इप्शिता अगर याद हो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट जब शर, भी मैं कसम से बता रही हूँ आपकी आवाज सच्ची में बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है बाकियों को भी डिस्कनेक्ट हो रही है बच्चे नो सर नो सर नो सर रीजॉइन कर ले इफ्शिता आर यू इफ्रा इफ्रा यस सर नाइंथ में या टेंथ में भी हमने किया है जब भी निचला फ्लोर ऊपर वाली छत सेम साइज के होते हैं एट दैट टाइम वॉल्यूम किसके इक्वल होता है सर शायद एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ यस सर हाइट देखो सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं मैं तीन फिगर्स लेता हूं हूँ एल बी एच व्हाट इज एल इंटू बी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ए क्यूब इसको मैं ए इंटू ए लिख सकता हूं व्हाट इज ए स्क्वायर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट सर उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम व्हाट इज पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट अब जिस एरिया में ये पानी जाके गिरेगा जितना स्पेस वो नीचे घेरेगा उतना ही एट सेंटीमीटर की हाइट तक घेरेगा ना कवर करेगा तो मतलब निचला फ्लोर और ऊपर वाली छत सेम साइज की होगी ना एक टाइप से इसकी तो फाइंड हाइट इज गिवन एट कितनी जीरो थी नाइन जीरो एंड एरिया ऑफ बेस क्या आ जाएगा एटीन थ्री थ्री सिक्स थ्री नाइन अपॉन एट इसको कट करो ए टू हजार सिक्सटीन ट्वेंटी ए टू हजार सिक्सटीन फोर्टी फाइव साथ में सेवन जीरो नाउ ये एरिया है बच्चे हमारे पास मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे उज से, करें... नहीं, sir, uh, thousand और thousand से करेंगे। so, One centimeter में कितने मीटर होते हैं One by 100. 100. यहाँ यह तो दो हंड्रेड हो गई चार जीरो कट हो गई कितना आ गया टू टू फाइव थ्री जीरो सेंटीमीटर सॉरी यहाँ सेंटीमीटर नहीं आएगा मीटर आएगा मीटर स्क्वायर इतना एरिया कवर किया समझ आ गई यस yes, सर आगे फिर से देख लो सारा सम जो कैनाल है उसकी दी है और डेप्थ दी है डेप्थ मतलब हाइट दी है और ब्रेथ दी है डेसीमीटर में दिए हैं ना तो मैंने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया वो आप पे डिपेंड है आपने पहले मीटर में करना है तो मीटर में कर लो इसको भी मीटर में करना पड़ेगा इसको भी मीटर में करना पड़ेगा मैंने सेंटीमीटर में किया था इसलिए थोड़ी सी जीरो ज्यादा आ गई 10 किलोमीटर जो लेंथ स्पीड ऑफ वाटर दिया है उसको भी मैंने मतलब कैनाल को ही लेंथ को ही उतना ले लिया 10 किलोमीटर साथ में 50 दो सेंटीमीटर में हो गया अब जिस आ, कितना पानी निकलेगा एक घंटे में 10 किलोमीटर की लेंथ तक किस शेप में पड़ा है वो कीबोर्ड की शेप में 12 तो bh कर दिया वो 60 मिनट में निकल रहा है 1 मिनट में डिवाइड बाय 60 हो जाएगा उन्होंने 30 मिनट में बोला हुआ है इनटू 30 कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया इतना एरिया आ, इतना वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब आएगा यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकला थर्टी मिनट्स में कहां पे एक प्लॉट प्लॉट में में जाके गिरा उस सेंटीमीटर तक पानी खड़ा हो गया तो हमने एरिया फाइंड करना है कितना एरिया कवर करेगा वो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट हाइट हमें एट सेंटीमीटर दी हुई है एरिया ऑफ बेस फाइंड करना है एट नीचे ले गई वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया अब अगर इसको मीटर स्क्वायर में करना है तो टेन थाउजेंड से डिवाइड करेंगे हंड्रेड इंटू हंड्रेड समझ आ गया ये क्यों किया जीरो मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया उसने हाँ अब बोलो आगे चले सर हाँ सर, हमने जो टाइम निकाला है सर वो हम मिनट में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मिनट में बोला है हमें हाउ मच एरिया मिनट्स ओके सर आप यहाँ वन आवर ले लो यहाँ हाफ आवर लिख दो तो भी एक ही बात है क्योंकि कट करके तो हाफ नीचे वही आएगा ना यस सर नाउ थर्ड का थर्ड पार्ट ये हमारा सलीना का स्वामी है इप्शिता अभी आवाज सही आ रही है यस yes, सर चलो स्तुति

तो नहीं सुनाई दे रहा उसको चलो नहीं सुनाई दे रहा हाँ जी डी एफ आर के कोऑर्डिनेट थ्री फोर ई e के कोऑर्डिनेट एट नाइन एफ के कोर्डिनेट सिक्स सेवन फाइंड दर्सिज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ए के वर्सेज एक्स वन वाई वन ले लिए

आ गया क्या सर कॉमा वाई अच्छा ना एक्स वो नहीं थ्री के थ्री तो के तो यहाँ से एक्स वन प्लस एक्स टू किसके इक्वल आ गया थ्री के सिक्स के तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया एक्स टू प्लस एक्स थ्री सर अपॉन टू एट के इक्वल एक्स टू प्लस एक्स थ्री किसके इक्वल आएगा सेकंड इक्वेशन एक्स वन प्लस एक्स

इसलिए बच्चे मैंने करवाया है फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करो एक्स वन एक्स वन ये रहा एक्स टू एक्स टू टू एक्स वन चलो एक बार ऐसे ही लिख देते हैं सर वो ऐसा टेंजेंट्स में आया था ना क्वेश्चन हाँ उसी टाइप का ट्वेंटी टू और ट्वेल्व थर्टी फोर तीनों को ऐड करेंगे राइट साइड में जो बॉक्स में किए देखो थर्टी यहां से टू कॉमन x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री थर्टी प्लस एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल एक आ गया ओहो सॉरी इज इक्वल टू थर्टी फोर बाय टू करना है 70 इसको इक्वेशन ले लेंगे फोर्थ सर हम सीधे वैल्यू डाल सकते हैं अभी अभी फर्स्ट इक्वेशन में से x1 वन प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ फिल कर दो सर ओके पुट द वैल्यू प्रॉपर लिख के वैल्यू ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू इन इक्वेशन फोर सर एक्स थ्री इज इक्वल टू से वैल्यू सेकेंड में फिल कर दोन सेकेंड में फिल करेंगे

जैसे X1, Y1, X1, X2 और फाइंड फाइंड किया है फिर तीनों के ये सर। बहुत ले दो ना। बच्चे पता क्या कर रहे हैं इसलिए हमें ज्यादा के अकॉर्डिंगली देखें तो नेक्स्ट फोर्थ वाले फोर्थ से लेके टेंथ तक तो सिर्फ फोर्थ सम ही करनी है नाइन सम्स में से यस सर यस सर सेवन सम्स में से सॉरी सेवन में से फोर ही करने हैं थ्री सम छोड़ने हैं हाँ जी सर एक बार पिछला वाला सम दिखाइए ले तू मेरा टाइम खराब कर दिया कर नहीं सर सर नीचे नहीं नहीं सर यहाँ पे नहीं सर यहाँ पर आपने ऐसे फाइंड किया है सर इसको एक साथ नहीं कर सकते थे मतलब जैसे कि एक्स की आ, मैं कैसे समझाऊ सर सर अगर, अगर की वैल्यू आ गई एक्स थ्री की वैल्यू कहाँ फिल करेगी यहीं पे फिल करेगी यहाँ तो है ही नहीं एक्स थ्री यहाँ फिल करेगी एक्स थ्री तो एक्स वन आ जाएगा फिर से यस सर तू समझा नहीं सकती घर वाले मेरे को लगता है तेरे को ही समझाएंगे अब sure. हाँ पहले आप मेरे से कुछ पूछ रहे थे जब मेरा नेटवर्क पता नहीं तो कहाँ कुछ घूमने चला गया था हाँ ये पूछ रहा था तेरे प्रैक्टिकली नोट पॉस्टिबल प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इज इंक्लूडिंग टैक्स

उंट इन विच द सैलर है तो लेट लिस्ट प्राइस क्या लेट कर लिया हम रुप एक्स लेट कर लिया जीएसटी कितना है एटीन परसेंट है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा थ्री सिक्स

यहाँ से एक्स की वैल्यू फोर फोर एट एट जीरो इन टू हंड्रेड अपॉन वन हंड्रेड एटी कितने पे कट कर रहा है जल्दी से बोलो सर कोई भी ना ये कटेगा यार नहीं मैं क्या कोई भी बोल दे हाँ हाँ सर ऊपर नीचे फिफ्टी नाइन आ जाएगा ऊपर टू टू फोर फोर जीरो पूरा पूरा कट हो गया यार नहीं सर पूरा पूरा तो नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा पक्का पक्का सर सर टू टू फोर फोर जीरो सर अब आ जाएगा थर्टी एट थाउजेंड सर थ्री एट जीरो थ्री थ्री पॉइंट एट फोर पे नाइन फोर जो थर्टी सिक्स थ्री ट्वेंटी थ्री और टू टू फोर फोर अपॉन फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन थ्री जा नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन टू फिफ्टीन टू सेवनटीन फोर्टीन में सेवन के सेवन इलेवन में फोर्टी सेवन के टेबल पे और पे आता है सिक्स जाता है। नहीं जाता नहीं सर मैंने ट्राई बहुत किया फिर इन्होंने क्वेश्चन गलत दिया हुआ है यार थ्री एट जीरो राउंड ऑफ कर लो यार इतने रुपीज लगा लो राउंड ऑफ कर लिया डेसिमल पार छोड़ दिया इतने रुपईस में उसकी क्या थी लिस्ट प्राइस अब उसने क्या बोला उसको कि मुझे डिस्काउंट दो कि मुझे जो जीएसटी जोड़ के मुझे मार्क प्राइस के इक्वल देना पड़े लैग न्यू कॉस्ट प्राइस ₹x according to question x plus 18% of x oh sorry x नहीं, नहीं लेंगे अब y लेंगे इसके इक्वल जाए, लेस वाइज के समझ आ गई बच्चे यस yes, सर दो क्वेश्चंस हो गए एक क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या बोला कि एक कस्टमर है उसने इतना पे किया इंक्लूडिंग टैक्स के साथ इतना पे किया तो लेस वाइज फाइंड करनी है। इसमें टैक्स इंक्लूड था मैंने लिस्ट प्राइस को एक्स ले लिया एक्स प्लस इक्वल आएगा ना तो यहां से इसको तो सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो ये आ गई एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास yes, अब उसने इतने में पढ़ रहा था उसको इतने में परचेज कर रहा था उसकी वाइफ का फोन आ गया कहते नहीं इतने में नहीं लेना अगर वो इंक्लूडिंग टैक्स इतने में देता है तो ठीक है तो उसने शॉपकीपर को बोला कि भाई मेरी वाइफ नहीं मान रही मुझे इतने में चाहिए इंक्लूडिंग टैक्स तो कहते जो लिस्ट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी ये पूछा उन्होंने अब सीपी जितने में उसने परचेज किया वाई ले लिया वाई प्लस एटीन परसेंट ऑफ वाई लिस्ट प्राइस के इक्वल होगा ना इन्होंने यही बोला है सर हम्म सर हम सीधा नहीं लगा सकते थे एटीन ऑफ ये जो थ्री है नहीं बच्चे सर उनको थोड़ा नहीं? होगा इसका थोड़ा होगा नहीं यार जीएसटी एटीन परसेंट है बट जितने में उसने परचेज किया उस पर लगेगा ना लिस्ट प्राइस पे थोड़ा लगेगा ओके सर सर हाँ जी सर तोशी दीदी ने कैमरा ऑन करना था ना कल कल ओके okay, सर अच्छा मैं सुबह बोल था तो ना कल मेरे को लगता है उसने आना ही नहीं देखना पक्की बात है तुम याद करवा दिया तूने सर मुझे भी भूल गया था इसको कट कर लेना वो वैल्यू आ जाएगी समझे सर yes, आ, बोलो सर ये आपने दूसरा कंडीशन क्यों लगाया तू बाइक लेने चली गई ठीक है। yes, उसकी लिस्ट प्राइस उस पर लिखा, लिखा हुआ था इतना रेट मैं मतलब उल्टा लेके चल रहा हूँ जीएसटी लग गया तूने कितना पे किया इतना पे किया समझ आ गई उसके बाद इप्सिता चली गई कहती मैं तो इंक्लूडिंग मतलब इतना नहीं पे करूंगी मैं तो इंक्लूडिंग जीएसटी इतना ही पे करूंगी तो अपनी लिस्ट प्राइस है जो वो कम मतलब कम कर लो yes सर तो जितने में उसने परचेस किया होगा उस पे 18% जीएसटी जोड़ के इसके इक्वल बोला है ना उन्होंने yes यस सर वाय ऑफ आई लिख देना इज इसके इक्वल वो किया बच्चे पहले हमने क्या किया इतने में परचेस कर रहा था इंक्लूडिंग टैक्स तो मैंने लिस्ट प्राइस फाइंड कर ली वहां से ये आ गई yes कस्टमर क्या, क्या बोला मुझे तो इतना ही चाहिए उसने कितना डिस्काउंट okay, दिया उसके लिए मैंने क्या किया पहले उसका मार्क प्राइस फाइंड कर लिया न्यू मार्क ठीक है वो ऐसी होगा y की वैल्यू आ जाएगी अब उन्होंने क्या पूछा फाइंड द डिस्काउंट अमाउंट तो एमपी लिस्ट प्राइस जो है उसमें से ये जो y की वैल्यू आएगी वो माइनस कर देना yes. ये मैं कैलकुलेट करके मैं बता ही देता हूँ कि कितना आया है ये आ जाएगा बच्चे सॉल्व करके फाइव एट जीरो नहीं ये नहीं आएगा सॉरी सर कुछ थर्टी टू कुछ ऐसे आएगा थर्टी टू हंड्रेड चलो जो भी आएगा मेरे को नहीं पता छोड़ दो इन्होंने किसी और मेथड से कर रखा है उससे नहीं करेंगे हम इसी सर वैसे आंसर क्या है आंसर इसका 59 5802 दिया है डिस्काउंट okay, okay, ओके सर 5 हां 5802 आंसर दिया हुआ है ओके सर अब आ जाएगा इसमें से माइनस कर देना डिस्काउंट है यार इसमें से जो ये वाई की वैल्यू आएगी वो माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा ना यस yes, सर गंदा जो नेक्स्ट yes, वाला सम है थ्रिस्ट्री ये बता दे मुझे चलो सॉल्व द इक्वेशन डे फोर एक्स एंड गिव यूर आंसर करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस वन डेसिमल प्लेस से आंसर देना है बोलो बच्चे क्या करेंगे सर कंपेयर कर देंगे सर उसकी मतलब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको पता है पहले डिफाइन करना है उसके बाद एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन रूट अपॉन टू ए निकाल लोगे यस सर पक्का पक्का yes, sir. एक मिनट बता हाँ जी Next के बाद हमारे पास आ जाती है सानिया कुमारी पटेल यस yes, सर रिप्रेजेंट इंस्टोग्राम तो आते इधर को छोड़ दे ये वाला सम फिफ्थ का फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हो जाएगा हो जाएगा सर पक्का 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 यस yes, सर देख लो देख लिया देख लिया हो जाएगा सर सर हो जाएगा अगला हां uh, uh, tangent pqo and pr are drawn to a circle such that angle rpq is 30 कोड आर एस इज ड्रॉन पैरल टू देंजेंट पी क्यू फाइंड आर क्यू एस सबसे पहले इसकी फिगर फिफ्थ का सेकेंड पार्ट जो अब इजी वाले सामने ना वो सारे छोड़ देंगे ठीक है टेंजेंट पी क्यू पी क्यू एंड पी आर आर ड्रॉन टू एस सर्कल सज दैट एंगल आर पी क्यू आर यहां पे होगा नहीं पी क्यू एंड पी आर पी यहां पे होगा पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट है आर पी क्यू आर पी क्यू ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है थर्टी ए कोड आर एस इज ड्रॉन पैरल टू पी क्यू पी क्यू के पैरल एक आर एस ड्रॉ कर ये दोनों पैरल है एरो साइन लगा दिए मैंने यस yes, सर फोर्ड आर एस ड्रॉन पैरेलल टू पी क्यू फाइंड आर क्यू एस आर क्यू एस फाइंड करना है सर सानिया सर, मैं कर दूं सुखमनी हां जी सर हां जी बताइए सर सबसे पहले तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा क्योंकि दोनों टेंजेंट्स हैं वेरी गुड ये दोनों टेंजेंट्स हैं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल इक्वल ये भी एक्स हो जाएगा इसको एक्स और इसको एक्स ले लिया हाँ जी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी फिर फिर दोनों की वैल्यू निकालेंगे एक्स प्लस एक्स प्लस थर्टी इजिकल टू वन हो जाएगा सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल टू एक्स एंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सेवेंटी ये सेवेंटी फाइव आ गया ये सेवेंटी फाइव आ गया फिर उसके बाद एस बी सेवेंटी फाइव हो जाएगा अल्टरनेटिव सेगमेंट अल्टरनेटिव नहीं अल्टरनेट सेगमेंट अल्टरनेट सेगमेंट अल्टरनेट अल्टरनेट ऑल्टर ऑल्टर अल्टर अल्टर ऑल्टर ओ ऑल्टर 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 नहीं अल्टरनेट <laughs> सेगमेंट और ये वाला एंगल भी सेवेंटी हो जाएगा क्यों

नो सर क्यू क्यू एस आ गया था सर हम लोग का 75 डिग्री और यहाँ पे क्यू पी आ गया 75 डिग्री तो सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी थी बच्चे एक्सटीरियर एंगल कहाँ पे है सर uh, ये ये क्यू uh, Q... ये वाला नो सर नो क्यू एंड क्यू आर एक्सटीरियर है या बस ये एक्सटीरियर एंगल है ना ये बनता होता है साइड प्रोड्यूस करने पे एक्सटीरियर एंगल बनता है सॉरी ये आगे ऐसे प्रोड्यूस होती तो शेयर एंगल बनना था सॉरी सर सर हम्म सर इस वाले में हम जो एंगल 30 है वो करस्पोंडिंग एंगल से इक्वल करके ये एंगल किसके कौन से एंगल कौन से एंगल के इक्वल करेगी 30 करस्पोंडिंग एंगल किसके इक्वल करेगी सर क्यू पी आर इज इक्वल टू एस आर सर इधर जो भी है मतलब जमीन ये एंगल इसके इक्वल होगा कोरस्पोंडिंग एंगल है शाबाश ये नहीं है ये बाहर वाला एस आर जो मतलब जिस साइड पे नेम नहीं है ये हां हां ये 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 फिर ये क्या कर लेगी फिर क्या कर फिर, लेगी फिर सर अल्टरनेट एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट से फाइंड कर लेते हैं ना वो वाला एंगल एस क्यू आर डायरेक्टली हां जी बिल्कुल सही याद है सही है सर मजाक कर रहे हो कि मतलब सच कह रहे हो तो सही तो कह रहा हूँ सही में है, सही है आ, ओके ओके सर हिस्से ना उल्टा चलना ही होता है कि नहीं सर मेरा घर ना यहाँ पे है आप ऐसे सीधे मत आना आपने यहाँ से गली ले लेना ले फिर एक गली यहाँ से ले लेना ले फिर आप पर मेरे घर आना सर, सर पर मैंने दो स्टेप में बता दिया ना करस्पॉन्डिंग और फिर एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट सर हाँ. मेरा सही है कि नहीं मतलब सही है ओके सर मेरा हूँ दिमाग ज्यादा चलता है मैं क्या करूँ अब सर इसमें तो मेरी भी गलती नहीं है नेक्स्ट वन रौनक यस सर

स्क्वायर माइनस वन इंट के प्लस टू बस नहीं zero. करेंगे क्योंकि फैक्टर गिवन है है हमें। ठीक ना? Yes, K minus K minus K. Plus K. गलती कर दी थी ना प्लस टू इज इक्वल टू जी माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं होता yes, sir.

यार एक्स की वैल्यू नहीं के वैल्यू फिल करनी थी only. Yes, sir. X minus K की वैल्यू अब yes, इसको फैक्टराइज कैसे करें sir? चुप कर जा सर स्क्वायर नहीं आएगा माइनस टू के ऊपर स्क आना है तो 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 बंद कर करला। करला। ला बंद कर लाइन शोरिकोत तेरे घरे हाँ ਸਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕੁਝ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮਾਈਨਸ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ ਸਰ 2 ਤੇ 1 ਸਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ

भाई तो सर मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, नहीं। उन तो उन तो चुप कर जा उन तो चुप कर जा मैं दस रही हूं देखो ये पोलना में लिए बन गया अब हमें फैक्टर ऑलरेडी गिवन था एक क्या गिवन था एक्स माइनस के और के की वैल्यू हम माइनस टू फाइंड कर चुके हैं तो फैक्टर कौन सा हुआ एक्स माइनस के मतलब एक्स minus माइनस टू तो X plus two is a factor इसको क्या इसके sir, वो long division. ये ना छोटी छोटी sir, mistakes है. अकेले इप्सिता ने ये गलती नहीं की मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाली फिफ्टी टू सिक्स परसेंट बच्चे ये गलती करके आएंगे एग्जाम के अंदर सर आ जाएगा और सर यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस आएगा, सर ये आपने में क्यों लिखा है तो क्योंकि वाली वाली नहीं 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 है. वाली है, नहीं है, नहीं है है. है इसमें? जी तो लास्ट में लिखेंगे. अब माइनस थ्री एक्स प्लस टू फिर माइनस हम टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू एक्स से और सर फिर माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स और फिर सर यहाँ पे प्लस प्लस सर ये कट गया और यहाँ पे एक्स प्लस टू फिर से उससे अंश हो जाएगा हो गया उसके बाद को इनटू सर अब होगा मिडिल टर्म स्प्लिट हाँ वन नहीं आएगा सर माइनस uh, वन और प्लस नहीं दो बार माइनस माइनस है प्लस है, सॉरी <laughs> सर यहाँ से एक्स कॉमन और सर एक्स माइनस वन फिर माइनस वन कॉमन और सर इसके फैक्टर बन जाएंगे सर एक्स माइनस है एक ही बार लिखेंगे ना एक बार क्यों लिखेंगे सर फैक्टर तो उसके दो ही बन रहे उन्होंने फैक्टराइज़ करो अब तुम ये ये सोच 25 है फैक्टराइज़ कर इसको क्या बनेगा फाइव इंटू फाइव बनेगा कि अकेला फाइव आएगा बता ठीक है हाँ आप फिर से देख लो किसी को कोई ये सब सम ना समझ आया हो यहाँ तक तो था एक्स माइनस के सर वो वाला समझ नहीं आया एक्स माइनस के फैक्टर दिया है

फैक्टर है तो यहाँ पे वही वैल्यू फिल की थी बस मैंने के के प्लेस पे उसकी वैल्यू के की एक्स प्लस टू फैक्टर डिवाइड किया क्रॉस आएगा या आएगा नीचे दिस इनटू दिस इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी फैक्टराइज हो गया कंप्लीट समझ गए नाउ yes, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऋषभ ऋषभ हां जी ए बी आर पॉइंट ऑफ ट्राइशेक्शन ऑफ लाइन पी क्यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन पी क्यू एक लाइन पी क्यू है a एंड b पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन दिए हैं ट्राइसेक्शन मतलब थ्री इक्वल पार्ट्स a के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कितने 1 2 b के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 11 9 ना हमें p पता है ना आपको पता है p के हम कोऑर्डिनेट ले, ले लेते हैं x1 y1 q के ले, ले लेते हैं x2 y2 तो p के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें ऋषभ

by तू Chande Khani, Rishab. Chande Khani. भूख लगी है नो सर भूख लगी है तेरे को मेरे को लग रहा है चलो प्रभु यस yes, सर तो अपनी जगह पे सही है ऋषा बट आधा घंटा इस शाम में लगा देगा जिस जिस मेथड से तू कर रहा है और ये शाम सिर्फ हार्डली वन मिनट का समय हाँ जी प्रभु हाउ वी कैन डू इट हाउ वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सर वो हम uh, सर x is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 पका के वही सेम तो उसने बताया था प्रभु छोड़ो तर्ण। प्रब तर्ण। प्रबलीन तो। रुक जा रुक जा प्रबलीन मिसबा यस सर बोलिए बच्चे हाउ वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी द क्वेश्चन क्या है ए एंड बी ट्राइसेक्ट पी क्यू ए के कोऑर्डिनेट गिवन है बी के कोऑर्डिनेट गिवन है वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी मोहित सर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे सर पी बी लाइन यार इसको काउंट ही ना करो थ्री इक्वल पार्ट हैं तो ए क्या हो गया का हो गया यहाँ पे ऐसे लाइन लिख देना हेयर ए इज द समझ आ गया दि yes तो ये वन किसके इक्वल होगा एक्स वन प्लस इलेवन यस अपॉन टू एंड टू इक्वल होगा वाई वन प्लस नाइन नाइन अपॉन टू टू 11 X1, 9 X1, यहां से Y1, 4, minus 9, minus 5. तो के क्या आ minus 9, minus 5. मैं हिंट दे रहा कि एक मिनट में हो जाएगा अगर आप इस मेथड से करोगे ना वन रेशो टू लेके पता ही नहीं कितना टाइम लगेगा समझे मिस प्रभु समझ आ गया यस yes, सर मतलब ट्राइसेक का मीनिंग क्या है थ्री इक्वल पार्ट्स तो ये तो भी दो इक्वल पार्ट्स ही हैं तो ए क्या हो गया पी बी का मिड पॉइंट हो गया तो एक्स वन वाई वन इजीली फाइंड हो सकते हैं समझ गए सिक्स का सेकंड पार्ट सर हाँ सर आज हमने ये वाला पेपर नौ बजे तक पूरा करना है और कर लो बढ़िया रहेंगे ओके सर ओ सच्चोई एक मिनट रुक जाओ एक मिनट चलो सिक्स के फर्स्ट पार्ट एक सिक्स के फर्स्ट पार्ट एक करी कर लो इसके बाद हम ना नाइन ओक्लॉक स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में ना एट वालों का एग्जाम है कल तो उनके कुछ डाउट्स थे वो क्लियर करवाने हैं मुझे ओके सर थैंक यू सर ओके बेटा नाइन ओक्लॉक लगा लेना क्लास बहुत अच्छे अच्छे समय इसके अंदर